गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज, हमारा आज का शीर्षक है, पाठ है, चार खाई बार बार हमने बनाई एक बार। चार ने कहा कान में आलू को डालो पानी में। पानी गर्म होने लगा, आलू उसमें खेलने लगा। खेलते खेलते थक गया, पानी से बाहर कूद गया। जोर से ठंड लगी, माँ कपड़े बदलने लगी। हम लोग आलू कैसे बॉयल करते हैं, मम्मी को आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मा कुकर में पानी डालती है और आलू धोकर डालती है और फिर से गैस पे चढ़ाती है तो वो बॉयल होता है। तो बॉयल होते समय वो अंदर उछलता है, उसे ही ये कह रहे हैं कि वो आलू खेलने लगा। उसके बाद जब बॉयल हो जाता है आलू तो बाहर निकालते थे, जब वो गर्म पानी से बाहर निकाला तो उसे ठंड लगने लगी, तो फिर उसने कहा कि मेरे कपड़े बदल दो। तो उसकी माँ ने उसे उसके कपड़े बदल दिए, मतलब उसका कवर निकाल दिया, उसका छिलका निकाल दिया। गाजर और मटर भी रोने लगे, कपड़े खोलने की जिद करने लगे। गाजर और मटर जो हैं वो लोग भी रोने लगे कि हमारे भी कपड़े निकालो, हमें भी अंदर जाना है। अपनी मिठास से माँ को मना लिया। गाजर और मटर आपको पता है ना, उसका टेस्ट मीठा होता है, तो उसने अपने टेस्ट से क्या किया, अपनी माँ को मना लिया। माँ को मतलब जो भी उसे बना रहा है उस समय, उसको प्रेम से गर्म पानी में नहा लिया। छीलने के बाद उसको भी, गाजर और मटर को भी उबालते हैं, तो वैसे ही जब उनके कपड़े निकाल करके उनको भी पानी में उबाल दिया। डॉक्टर को दिखलाया, रात भर सुलाया, सुबह तक सिर पर सफेद मुकुट निकल आया। जो ग्रेन्स होते हैं जैसे कि दालें होती हैं, खड़ी मूंग, खड़ी उड़द, ये इस तरीके की मोठ, ये सारी जो दालें होती हैं इनको पहले पानी में भिगो देते हैं और फिर रात में ढक करके रख देते हैं, तो सुबह तक क्या होता है, वो अंकुरित हो जाती है, उसमें वाइट वाइट कलर का छोटा सा कुछ निकल आता है, उसी को अंकुर कहते हैं। प्याज, खीरा और टमाटर सबसे मिलने की जिद करने लगे। जल्दी जल्दी अपने कपड़े खोलने लगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगे। ये सब देख करके प्याज, टमाटर और खीरा भी क्या हुआ, उन लोगों ने भी कहा कि मुझे भी जल्दी जल्दी छील करके कट करो और उस चाट में मिला दो। चने ने कहा, सब पतीले में घुस जाओ। आलू बोला, पहले इसको साफ कराओ। चना, जिस कुकर में चने को उबाला था उसमें चने ने कहा कि आओ सब इसी में मिल जाओ। तो आलू ने क्या कहा कि नहीं, पहले पतीले को, पहले बर्तन को साफ करो, क्योंकि हमेशा साफ बर्तन में ही खाना बनाना चाहिए और साफ बर्तन में ही खाना खाना चाहिए। पानी से पतीले को साफ किया, फिर पानी से उस पतीले को, बर्तन को साफ किया। सबको अंदर आने का निमंत्रण दिया। पतीला जब साफ हो गया तो सब जो सारी चीजें थी, आलू, टमाटर, गाजर, प्याज, मटर, ये सारी चीजों को अंदर आने का निमंत्रण दिया, मतलब ये कहा कि इसमें आकर के सब मिल जाओ। इतने में आए मूंग, मोठ और देसी चना, जिनको कच्चा अंदर आना था मना। देश चना को आलू और मटर करने लगे दोनों चटर पटर। ये चने को देख करके आलू और मटर जो थे, जब उस गर्म बर्तन में डाले गए तो वो कुछ आवाज आती है ना चन चन सी, तो यहाँ पर उसका वही मतलब है कि वो चटर पटर अंदर डालने के बाद करने लगे। गुस्से में तीनों पानी में बैठ गए, हाथ पांव सर्दी में फूल गए। ठंडे पानी से निकाला, कागज रूपी बिस्तर पर डाला। पतीले में सब खेलने लगे, धमा चौकड़ी मचाने लगे। चम्मच ने सबको मिलाकर शांत किया, नींबू के रस को भी अंदर जाने दिया। एक पतीले में ये सारी चीजें जो भी हम लोगों ने बॉयल की थी, काटी थी, अंकुरित की थी, वो सारी चीजें उसमें डाल दी और नींबू का रस भी अंदर डाल दिया। चाट मसाला अंदर जाने का कर रहा था इंतजार। इसके बाद जब सारी चीजें रेडी हो गई तो उसमें चाट मसाला तो डालना ही पड़ेगा, तो चाट मसाला भी क्या कर रहा था, अंदर जाने का, उसके साथ मिलने का इंतजार कर रहा था। तो उसमें फिर बाद में चाट मसाला भी डाल करके चम्मच से मिक्स कर दिया। उसके भीतर जाते ही चाट हो गई तैयार। कविता सुनते सुनते चाट
कभी नहीं खाए। तो ये आपकी कविता थी, चाट खाई बार बार, हमने बनाई एक बार। यू हैव टू लर्न दिस पोएम एट योर होम। आप सभी अपने घर पर इस कविता को याद करिएगा और इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स, जो भी कठिन शब्द हैं उसे अंडरलाइन करिएगा और याद करने की भी कोशिश करिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।